गाजीपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण के लगातार नए मिलते मामलों के बीच कुछ लोग हैं जो इस महामारी से भिड़े हुए हैं। तमाम लोग अपने निजी और समाज से मिलने वाली सहायता के मिले जुले प्रयास से इस महामारी को हराने में जुटे हैं। इसी कड़ी में गाजीपुर के दुल्लापुर से भी एक प्रमुख नाम जुड़ा हुआ है और वो है जिला पंचायत सदस्य अनिल पांडे का। इनके प्रयास से दुल्लापुर क्षेत्र के 96 गांवों के प्रमुख बाजार में सैनिटाइजेशन का काम शुरू हुआ है। ये काम जन सहयोग से चल रहा है। इसके बारे में जानकारी देते हुए जिला पंचायत सदस्य अनिल कुमार पांडे ने बताया कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद यहां बाहरी लोग भी आ रहे हैं। इसके अलावा आसपास की आबादी भी 7000 से अधिक है। ऐसे में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने की आशंका न रहे, इसे देखते हुए सैनिटाइजेशन का काम जरूरी था। उनके मुताबिक दुल्लापुर पूर्व सांसद के आदर्श गांव में जन सहयोग से मास्क और राशन बांटने का काम पहले से ही चल रहा था। अब सैनिटेशन का काम भी शुरू हुआ है और इसमें एक बड़ी भूमिका मदर टेरेसा चिल्ड्रन स्कूल के प्रबंधक शिव नारायण प्रजापति ने भी निभाई है। उन्होंने सैनिटाइजेशन के इस काम के लिए हरियाणा से आया 50 लीटर सैनिटाइजर उपलब्ध कराया है। मेरा नाम अनिल कुमार पांडे है, मैं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ दुल्लापुर क्षेत्र से। बाजार में आज कार्यक्रम क्या कर रहे हैं आप लोग? आज कई दिनों से देखा जा रहा था कि लॉकडाउन हटने के बाद 96 गांव की प्रमुख मार्केट है दुल्लापुर, और दुल्लापुर ग्राम सभा में खुद की 6500 की आबादी लगभग है, और सारे 96 गांव के लोगों का आना जाना और भीड़ भाड़ यहाँ बढ़ गया था। भारतीय जनता पार्टी मंडल यखनिया दूती के हम सभी कार्यकर्ता लॉकडाउन से लेकर अब तक निरंतर मदद करने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में अपने प्रमुख व्यवसायी शिवनारायण प्रजापति द्वारा हरियाणा से मंगाया गया सैनिटाइजर हमको उपलब्ध हुआ, तो हम लोग पूरी मार्केट को सैनिटाइजर करने का काम आज शुरू किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक मंदिर दुल्लापुर स्टेशन रोड के दैया माई मंदिर से ग्राम प्रधान, व्यापार मंडल अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत सदस्य के घरों सहित उस मंदिर से ही शुरुआत किया गया है। 3 चरण में पूरे दुल्लापुर का सैनिटाइजर किया जाएगा, सैनिटाइजर का छिड़काव पूरे ग्राम पंचायत में किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि जो प्रमुख केंद्र है क्षेत्र का, वह जब सैनिटाइजर से छिड़काव हो जाएगा, वह सुरक्षित हो जाएगा, तो इससे लोगों में संदेश भी जाएगा, हो सकता है इससे प्रेरित होकर के सब लोग अपने अपने गाँव को सैनिटाइजर कराएं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मंडल अध्यक्ष मनोज यादव मंडल के नेतृत्व में बरनवाल गली के दुर्गा माता मंदिर से सैनिटाइजर छिड़काव शुरू हुआ। बाजार और गांव में मिलाकर सैनिटेशन का ये काम 3 चरण में पूरा होगा। इस काम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष लाल बहादुर चौहान, महामंत्री श्रवण सिंह रघुवंशी, वरिष्ठ भाजपा नेता रामानंद जायसवाल, लंगुरिया गौर आदि लोग भी मौजूद रहे। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।